यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून आने के बाद कई और राज्यों में इसे लागू करने की बात चल रही है, लेकिन इस बीच असम सरकार शादी करने वाले जोड़ों के लिए एक अलग ही तरह का कानून लेकर आ रही है, जिसमें शादी करने से पहले आपको अपने कारोबार को लेकर अपने परिवार तक की पूरी जानकारी देनी होगी। आखिर कितना सख्त और कितना खास है असम सरकार का ये कानून, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में लव जिहाद किया तो 10 साल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना भी देना होगा, लेकिन अगर असम में कोई जोड़ा शादी करने के बारे में सोचता है तो उसे अपने कारोबार से लेकर परिवार तक की पूरी डिटेल सरकार के सामने रखनी होगी। दरअसल असम सरकार राज्य में विवाह के लिए नया कानून ला रही है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को अपने धर्म के साथ साथ आय व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी होगी। लव जिहाद की घटनाओं से निपटने के लिए कई राज्यों में इस संबंध में लाए गए कानून के बाद अब ये निर्णय असम में लिया गया है। नए विवाह कानून के तहत शादी करने के इच्छुक सभी जोड़ों को धर्म सहित कई परिवार की सारी जानकारियों का एक महीने पहले खुलासा करना होगा। असम सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये फैसला लिया गया है। कानून के बारे में जानकारी देते हुए असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा ने कहा कि शादी के लिए राज्य सरकार का कानून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लागू कानून की तरह नहीं होगा। राज्य में लागू होने वाला ये नया विवाह कानून मूल रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा। यूपी और मध्य प्रदेश में लागू कानून की एक चीज इसमें जरूर शामिल होगी, जहां दूल्हा दुल्हन को अपने धर्म का खुलासा करना होगा। कोई भी सोशल मीडिया पर अपने धर्म को नहीं छिपा सकता। इस कानून से पति और पत्नी के बीच पारदर्शिता आएगी। हेमंत बिस्वा ने ये भी क्लियर कर दिया कि उनका कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन उनका उद्देश्य विवाह संस्था में समावेशी पारदर्शिता लाना है। साथ ही वो इस कानून को लव जिहाद का शब्द नहीं देंगे, क्योंकि असम में 4 महीने बाद चुनाव होना है और वो नहीं चाहते कि चुनाव पर इसका असर पड़े। वहीं असम सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है और जल्द ही प्रदेश में इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। वहीं यूपी में लागू हुआ लव जिहाद के खिलाफ कानून काफी सख्त है, क्योंकि यहां जिहादियों को 10 साल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना देना होगा। साथ ही जो संस्था इस तरह की शादी करवाती है उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा ने साफ कर दिया कि असम में आने वाला कानून यूपी और एमपी से काफी अलग होगा, लेकिन यहाँ भी प्रेमी जोड़ों को अपने धर्म के बारे में खुलासा करना होगा, जिससे धोखे से की जा रही शादी के बारे में पता चल जाएगा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन असम में इस कानून को लव जिहाद का नाम नहीं दिया जाएगा। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।